उत्तराखंड में तेज बरसात में हो रही कावड़ यात्रा से कावड़ियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कावड़िया प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में लगातार बारिश के कारण कावड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कावड़िया पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। कावड़ियों का कहना है कि हरिद्वार में जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, हरिद्वार आने वाले कावड़ियों को एक स्थल पर बारिश में खड़ा भी होने नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कांवड़िया बारिश से भी नहीं बच पा रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि लगातार हो रही बारिश पर मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी कर्मचारी व अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण के लिए भी भेजा जा रहा है। इसी के साथ जल स्तर पर भी लगातार निगरानी बनी हुई है और कांवड़ियों की समस्या का भी हल निकाला जा रहा है। बरसात का पानी ज्यादा आने से हमारे रुड़की वाले एरिया में और लक्सर वाले एरिया में कई गाँव में और शहर में जल भराव की स्थिति हुई है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने एडवांस में एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की डिमांड की थी, तो दोनों टीमें कल ही पहुँच गई थी, जिसमें एनडीआरएफ के लगभग 31 करीब जवान हैं और एसडीआरएफ के उतने ही हैं। तो उन लोगों को हमने लक्सर और रुड़की के क्षेत्रों में उनकी ड्यूटी लगाई थी और उन्होंने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी किया था। बारिश के पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा पानी हो रहा है, कार की पैड़ी में जा रहे हैं ना, परेशान हो जा रहे हैं। जानते हो बारिश का मौसम है और ये पुलिस वाले सब भगा रहे हैं इधर उधर। अब बताओ ये इतनी सारी जनता है, ये कहाँ पे खड़े हुए गए? प्रशासन ने कोई सुविधा ऐसी नहीं दे रखी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।